वेलकम। आज डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन रिलेशंस। कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस पहले प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, एक्स एक सेट है हमारे पास, वाई इज अनदर सेट। अब हमसे पूछा गया कि नीचे कुछ रिलेशंस हमको गिवन है कि विच आर द रिलेशंस फ्रॉम एक्स टू वाई, द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एक्स टू। आपसे पूछा कि वन आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, इनमें से बताइए कौन सा रिलेशन है फ्रॉम आर वन टू आर टू, फ्रॉम एक्स टू वाई, नॉट आर वन टू आर टू, दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई। अब रिलेशन की डेफिनेशन अगर आप याद करें तो रिलेशन का डेफिनेशन हमारे पास होता था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई। तो अब अगर मैं एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसीडर करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, कंसीडर हेयर, ठीक है राइट, एक्स इंटू वाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास जो आएगा वो एक्स और वाई के, आपके पास फाइव मेंबर्स यहां पर हैं, फाइव मेंबर्स यहां पर हैं, टोटल 25 मेंबर्स आपके पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हो जाएंगे। तो उसके कौन कौन से रिलेशंस यहां पर सेटिस्फाई करते हैं उसकी बात मुझको करनी है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास R1 की बात है। R1 को अगर मैं देखूं तो मेरे पास R1 क्या है जी, R1 y is equals to y is equals to 2 plus x। अब ये x कहां से आएगा जी, x is from the set x, इस x set से x को आपने चूज करना, यहां सब्स्टिट्यूट करना है और आपके पास ये y वाले एलिमेंट्स मिलने चाहिए जी आपको। तो देखिए जी कौन कहां किस किस से मिलता है जी। अब देखिए जी x की जगह ऐसा क्या पुट करूं कि आपके पास y का कोई एलिमेंट आ जाए, मुझे दिखाई देता है जी x के प्लेस पर अगर मैं ये 1 पुट कर दूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा, तो दैट विल बी हियर, यहां पर प्रेजेंट है जी, करेक्ट। इसके बाद x के प्लेस पर और क्या पुट करूं कि उधर का एलिमेंट हमारे पास आ जाए जी, उधर आप देख रहे हैं एलिमेंट 3 है जी, तो 3 तो आपके पास आ गया जी 1 पुट करके, 2 पुट करने से 4 आएगा, 4 नहीं है जी उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब हम अगर 3 पुट करें x के प्लेस पर, इस x के प्लेस पर व्हाट वी गेट, 5, 5 यहां पर है जी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद 4 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, 5 पुट करेंगे तो 7 आएगा, करेक्ट। तो आपने देखा कि इसमें x की वैल्यूज 1, 3 और 5 सब्स्टिट्यूट करके आपके पास उस ऑर्डर्ड पेयर के मेंबर्स आ जाते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि दिस R1 इज द रिलेशन, R1 is the relation from X to Y। ऐसे ही अगर मैं R2 की बात करूं तो 1-1 ordered pair बनेगा, बिल्कुल 1-1। This पहला वाला member जो है वो X का होना चाहिए, दूसरा Y का होना चाहिए, आप कहेंगे बन सकता है जी। 2-1 ये भी बन सकता है जी, 3-3 ये भी बन सकता है जी, 4-3 that is also possible, right? And 5-5 that is also possible। तो इसलिए आपने क्या बोला जी, R2 is the रिलेशन, आर टू भी रिलेशन हो गया जी। अब भाई आर थ्री की बात करते हैं, 1-1, 1-3, 3-5, 3-7 and 5-7, राइट, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आपने बोला आर थ्री इज द रिलेशन। अब बात करें आर फोर की, 1-3, 1-3 बन देगा जी, 2-5, 2-4, 7-9, 7 कहाँ है जी, 7 तो x में है नहीं जी,
तो इसलिए आपने बोला कि 7 9 does not belongs to, यानी हमने क्या लिखना, R4 is not the relation from x to y because 7 9 does not belongs to Cartesian product x comma y. तो Cartesian product से belong कोई करेगा element तो वो relation का part होगा, otherwise नहीं होगा जी, ठीक है? तो यहाँ आपने R1, R2 और R3 के बारे में बोला, they are the relations, but the R4 is not the relation from x to y, correct? ठीक है, आइए और नेक्स्ट पेज पर आते हैं जी। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आया जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें क्या बोला, R is defined on the natural numbers a b, a equal to twice of p, a is twice of b का मतलब है कि फर्स्ट वाला मेंबर जो है वो सेकंड वाले मेंबर का डबल है, ठीक है? R आपको दिया कि नेचुरल नंबर पर फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो सेकंड का डबल है, तो क्या लिखना पड़ेगा जी मुझे, अगर मैं 2 लिखूंगा तो इधर मुझे 1 लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड से डबल, अगर मैं यहां पर 4 लिखूं तो इधर मुझे 2 लिख देना चाहिए, इसी तरीके से अगर मैं इधर 6 लिखूं तो इधर मुझे 3 लिख देना चाहिए, करेक्ट? लाइक दिस, इस तरह के मेंबर्स, यानी सेकंड वाला एलिमेंट 1 2 3 4 और फर्स्ट वाला एलिमेंट उस फर्स्ट सेकंड वाले एलिमेंट के डबल के इक्वल। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, सबसे पहले R को डिफाइन किया, उसके बाद पूछा R इनवर्स इज गिवन बाय, अब R का इनवर्स कैसे आप डिफाइन करेंगे जी, आप बोलेंगे जी R के इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 को 2 1 कर दीजिए जी, 4 2 को 2 4 कर दीजिए जी, 6 3 को 3 6 कर दीजिए, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। लेकिन अगर इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मुझे क्या लिख देना चाहिए जी, उस कंडीशन में मुझे लिख देना चाहिए कि R इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b सच दैट b इज ट्वाइस ऑफ a, अब की बार क्या बोल दिया गया, b इज ट्वाइस ऑफ a, और साथ ही साथ ये भी बोल दीजिए आप a एंड b बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं जी, ऐसा मैंने लिख दिया जी, ठीक है? तो r इनवर्स, अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए जी आपके हिसाब से, 1 2 2 4 दिस वन, द पार्ट b इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट? द पार्ट b इज द करेक्ट ऑप्शन, इज इट फाइन, करेक्ट? और आगे आते हैं जी, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आया जी, उसमें क्या बोला, गिवन द रिलेशन R, आपको एक रिलेशन गिवन है R और उसमें क्या लिखा, 1 2 2 3, दिस इज द रिलेशन R, और कौन से सेट है, सेट इज द सेट A इज गिवन टू यू, और फ्रॉम दैट सेट वी गॉट ए रिलेशन 1 2 एंड 2 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच व्हेन एडेड टू R मेक इट इक्विवेलेंस, यानी आप इस R रिलेशन को इक्विवेलेंस बनाना चाहते हैं तो आपसे पूछा गया बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम और ऐड कर दें, क्योंकि प्रेजेंटली ये R जो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है जी, तो आपको पूछा कितने एलिमेंट्स आप ऐड कर दें सो दैट कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर बन जाए जी। तो आइए जी सोचते, The relation R here is 1 2 and 2 3, करेक्ट? सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन अगर आप याद करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कंडीशन सबसे पहली हुआ करती थी कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए,
reflexive. Reflexive mean the same element should be there. First element and the second element. दोनों के दोनों same हों, ऐसे element present होने चाहिए जी. किस में जी? आपने कहा ये जो A set मुझे given है, इसके Cartesian product में. अब same element कौन कौन से होंगे जी? आपने कहा जी वो same element मेरे पास होंगे 1, 1, मेरे पास होंगे 2, 2, मेरे पास होगा 3, 3. यानी आपके इस R relation में ये तीन element तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए प्रेजेंट होने चाहिए जी. तो तीन तो ये डालने पड़ेंगे जी. चलिए जी, अब बात करते हैं सिमेट्रिक के जी. मुझे सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए. अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है जी? आप यहां देख रहे हैं 1, 2 अगर प्रेजेंट है तो उस सेट में 2, 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए. इसका मतलब मुझे यहां से 2, 1 भी करना पड़ेगा जी. मेरे पास 2, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3, 2 भी वहां पर अवेलेबल होना चाहिए जी. तो आपने देखा तीन एलिमेंट ये रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, सिमेट्रिक बनाने के लिए हमारे पास 2, 1 क्योंकि 1, 2 इज देयर, 2, 1 आपको ऐड करना पड़ेगा जी. 2, 3 प्रेजेंट है इसलिए 3, 2 भी हमको ऐड करना पड़ेगा जी. रिफ्लेक्सिव हो गया आपके पास, सिमेट्रिक हो गया. अब बात आती है तीसरी और उसका नाम है ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव के लिए आप अगर यहां पर ही देखें कि आपको दिखाई दे रहा है 1, 2 इज देयर, 2, 3 भी वहां पर है जी. तो ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 अगर प्रेजेंट है, 2, 3 है तो 1, 3 भी वहां पर होना चाहिए जी. तो आपके पास एक तो 1, 3 आपको लाना पड़ेगा जी, करेक्ट. दूसरी चीज हमारे पास प्रेजेंट है 1, 2, 2, 3 और उसके आधार पर हमने क्या देखा जी कि 1, 3 भी वहां पर अवेलेबल होना चाहिए जी, ठीक है. इसके बाद हमारे पास 3, 2, 3, 2 और उसके बाद ये 2, 1 भी प्रेजेंट है जी. अगर मैं इसको भी देखूं तो आप देखिए 3, 2 मेरे पास प्रेजेंट है और उसके बाद 2, 1 भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें 3, 1 भी यहां पर रखना पड़ेगा जी. इसको अगर आप देखें ये सिमेट्रिक जो हमने बनाया तो ये एलिमेंट आपने यहां पर ऐड किए, इसको देखिए 3, 2 एंड देन 2, 1. तो 3, 2, 2, 1 अगर है तो आपने कहा 3, 1 भी होना चाहिए जी. तो इसलिए हमने क्या बोला जी कि 3, 1 शुड ऑल्सो बी देयर, करेक्ट. तो देन For transitivity, it should have 3, 1 also. ठीक है जी. तो reflexive बनाना था मैंने, इसलिए मैंने तीन element add किए. तो symmetric बनाना था, ये element add किए. और transitive बनाना था, तो आपने ये element दो और add किए. तो total number of elements कितने और add करने पड़े जी? आपने देखा जी दो already हैं, 3 और 2, 5 और 2, 7. तो आपने कहा in order to make R as equivalence relation we have to add minimum 7 elements. आपको कम से कम 7 elements इसमें add करने चाहिए, तभी आपका ये equivalence relation बनेगा. इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो minimum should be 7. Is it fine? Right. Now, come to another question. And what is that question? Let n be the set of all natural. Set of all natural numbers आपने consider किया. Show that the relation R from n into n defined by this a comma b ordered pair a comma b related to c comma d.
यानी ए बी कॉमा सी डी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे, लेकिन कब होंगे जी? जब ए और डी का सम फर्स्ट और इस लास्ट का सम और इन दोनों का सम आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे दिस ऑर्डर्ड पेयर इज रिलेटेड टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? फॉर दिस शो दैट दिस रिलेशन इज इक्वलेंस रिलेशन, वी हैव टू शो दैट दिस इज द इक्वलेंस रिलेशन, शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन, करेक्ट? इज एन इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है जी? आइए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। अब इक्वलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा जी? आपने कहा इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ठीक है? अब ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी की कंडीशन क्या बताई गई आपको? कि फर्स्ट और लास्ट को प्लस कर लो, ए प्लस बी कर लीजिए और बी प्लस ए कर लीजिए। अब बताइए कि ये ए और बी कौन है जी? यहां तो आपसे बोला गया था कि ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में तो ए और बी को ऐड कीजिए या बी और ए को ऐड कीजिए, दे विल द सेम। तो आपने बोला ए प्लस बी या बी प्लस ए, दे आर सेम। तो आपने क्या बोला कि दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ये जो आपको गिवन कंडीशन था दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड जब दोनों के दोनों हमने सेम ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। तो क्या डिक्लेयर कर दीजिए? डिक्लेयर कर दीजिए R is reflexive, right? R is reflexive. Right? दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक की जी। सॉरी, दूसरा कंडीशन सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है जी? सिमेट्रिक में आपके पास होता है, आप स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग वन ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ए बी ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और जिसका आपको मीनिंग मालूम है ए प्लस डी इक्वल्स बी प्लस सी, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, या जिसे आप डी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी प्लस बी कर दीजिए। क्यों? एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स में ए प्लस डी को डी प्लस ए आपने कर दिया, बी प्लस सी को सी प्लस बी आपने कर दिया, तो जिसको आप लिख सकते हैं सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। क्या लेकर के चले थे? ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो अपोजिट भी इसका आपने प्रूव कर लिया जी। तो जिसका मीनिंग क्या हुआ जी? इसका मीनिंग हुआ आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, राइट? देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, करेक्ट? थर्ड थिंग,
ट्रांजिटिविटी की कंडीशन आप देखें, ट्रांजिटिव अब ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या लेना होता है, ट्रांजिटिव के लिए मुझे लेके चलना होता है ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड द सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। अब इनका मीनिंग आप क्या निकालेंगे जी, आप कहेंगे जी इनका मीनिंग है फर्स्ट का ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, और अगर दूसरा जो एक्सप्रेशन आपके पास है उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है सी प्लस एफ इज इक्वल्स डी प्लस ई, राइट, दिस इज आवर ई। करेक्ट। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए, इफ वी ऐड दिस व्हाट वी गेट ए ऑन एडिंग ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी D plus E. All right. Now, after adding all these, what we get? कुछ cancel हो जाएगा जी। आप देखते हैं यहां पर दोनों साइड कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है मुझे, एक तो C दिखाई दे रहा है, C cancel हो जाएगा, दूसरा D मुझे दिखाई दे रहा है, D cancel हो जाएगा, A plus F, B plus E. A plus F, A plus F is equals to B plus E. ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया जी। अब क्या कंक्लूजन हुआ जी मेरे से, क्या रिलेशन मैं निकालूं जी? आपने देखा ये ऐड कौन कौन सा करते थे, A को यहां लिखना चाहिए मुझे, F को यहां लिखना चाहिए मुझे, B को यहां लिखना चाहिए और E को यहां। तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ क्या लेकर चले थे जी, हमारे पास था ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ये रिलेटेड टू दिस आना चाहिए था, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, आपके पास शायद यही आ गया जी, ए बी रिलेटेड टू ई एफ इज आवर कंक्लूजन। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, it gives R is transitive, right? R is transitive, correct? तो R आपके पास reflexive है, R symmetric है, R transitive है जी, तो आपने क्या बोला, so R is या ऐसा नहीं लिखते, सिंस सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव symmetric and transitive, so R is an equivalence relation, R is an equivalence relation, is it fine? Correct. अब आइए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं।
एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. R is an equivalence relation on the set A. R आपको equivalence relation given है जी. कितने शो कीजिए R inverse is also an equivalence relation on the set A. R is equivalence. इसका मतलब आप समझ गए कि अगर R equivalence relation है तो R reflexive भी है, R symmetric भी है, R transitive भी है जी. तो आपने लिखा since R is equivalence so R will be reflexive, symmetric and transitive. Correct. R will be reflexive, symmetric and transitive. अब शो करना है हमको कि R inverse is also an equivalence relation. आइए जी, सबसे पहले R को, R inverse को reflexive प्रूव करने की कोशिश करते हैं. हमने क्या किया, लेट किया AB related to या belongs to R inverse. AB related to R inverse. तो जब AB R inverse को relate करेगा तो definitely BA belong करेगा R को. BA belongs to R. Correct. लेकिन R कौन है जी? आप बोलेंगे जी R तो एक equivalence relation है, तो R तो symmetric होगा जी. इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि AB belong करेगा R को, because R is BA belongs to R. ये तो R inverse से आया जी. लेकिन आपने BA belongs to R को आपने लिख दिया AB belongs to R. reason क्या देना है जी उसका? Because R is reflexive. क्योंकि equivalence है तो R reflexive तो होगा ही होगा जी. इसलिए आपने इसे interchange कर लिया. तो AB relate to R, जिसका मतलब क्या हुआ जी? जिसका मतलब हुआ BA belongs to R inverse. यानी आप क्या लेके चले थे? AB belongs to R inverse. आपने क्या प्रूव करके बता दिया जी? आपने प्रूव कर दिया BA belongs to R inverse. तो आपने क्या डिक्लेयर कर दिया? R inverse is reflexive. करेक्ट. सेकेंड थिंग पर आइए जी. सेकेंड पार्ट, R inverse को हम सिमेट्रिक प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. उसके लिए हम लेके चलते हैं AB belongs to R inverse and BC belongs to R inverse. AB belongs to